हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड इट इज द सेकंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बिगनिंग की थी कि डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर क्यों हुआ। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर में व्हाट वर द कॉजेज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज वॉज द फैनेटिकल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी दैट वॉज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को डिक्कन पॉलिसी, सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब, वीक सक्सेसर्स, नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन, फ्यूडल लॉर्ड्स बिकम फ्री, फॉल्टी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पॉइंट्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रुपिज्म ऑफ नोबल्स। तो ग्रुपिज्म ऑफ नोबल वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर में जो इम्पॉर्टेंट नोबल्स जो थे उसमें ईरानी नोबल्स थे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे और तुरानी नोबल्स थे जो टर्किश एम्पायर से बिलोंग करते थे, और इनके बीच में कन्फ्लिक्शंस रहते थे और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे हमेशा और एक दूसरे के प्लान्स को फेल करते थे। और इसके लिए उनको इस चीज में भी कोई हेजिटेशन नहीं था कि भले नेशनल इंटरेस्ट अवॉइड हो जाए, नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देंगे, नेशन के इंटरेस्ट को वो भूल जाएंगे, लेकिन अपने छोटे इंटरेस्ट की वजह से उनके बीच में ग्रुपिज्म हुआ और कन्फ्लिक्शन होते रहते थे। तो ये जो ग्रुप था नोबल्स का और वो उनके बीच में कोई कॉपरेशन नहीं था, रादर कन्फ्लिक्शन था ईरानियंस ग्रुप्स एंड तुरानियन ग्रुप्स में। तो दिस ग्रुपिज्म ऑफ द नोबल्स आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे सादत खान जो था, सादत खान ने नादिर शाह को इन्वाइट किया इंडिया पर अटैक करने के लिए। तो नोबल्स का वर्क क्या होता था, देयर नोबल वर्क वॉज टू कॉपरेट टू सपोर्ट देयर किंग। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, सादत खान ने क्या किया, सादत खान जो अवध से बिलोंग करता था उसने नादिर शाह को इवन इन्वाइट कर लिया इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसे ही बाबर के टाइम में हुआ था। तो ये जो नोबल्स जो थे इनकी वजह से इनका जो ग्रुपिज्म था दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वास्ट एम्पायर ऑफ द एरिया। तो जो मुगल एम्पायर का एरिया था औरंगजेब के टाइम तक आते आते द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द डीप साउथ, तमिलनाडु और केरल का रीजन आप छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द इंडिया वॉज अंडर औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद जो वीक रूलर्स आए, वो वीक रूलर्स जो थे वो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्लस इतना डिकन पॉलिसी जो औरंगजेब की थी उसकी वजह से मुगल एम्पायर का जो ट्रेजरी जो थी, जो खजाना जो था वो भी कम्प्लीटली खाली हो चुका था। और ना जो लेटर मुगल्स आए औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह, जहांदर शाह एटसेट्रा, तो वो ना तो वो पावरफुल थे इतने बड़े एरिया को संभाल सके और ना ही उनके पास ट्रेजरी थी। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वास्ट एरिया समवेयर बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। आफ्टर दैट वीक नेवल फोर्सेस, मुगल्स के पास फोर्स जो नेवल फोर्सेस थी, जो नेवी की जो फोर्स होती है, नेवल फोर्स नौसेना, वो जो पानी में रहकर युद्ध करती है वो भी उनके पास एक नहीं थी, ना के बराबर थी। जस्ट टेक द एग्जांपल, इस टाइम जो यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया में जो इन्वेजन किया था ट्रेड के लिए, चाहे वो पोर्चुगीज हों, डचीज हों, फ्रेंच हों, ब्रिटिश हों, उनके पास एक प्रॉपर नेवल फोर्सेज होती थी जो कि मुगल एम्पायर के पास नहीं थी, और इस वजह से वो इन कंपनीज को भी इंडिया के अंदर एंटर करने से और उनको ट्रेड करने से नहीं रोक पाए। तो जो वीक नेवल फोर्सेस थी दैट ऑल्सो समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। देन करप्शन एट मुगल कोर्ट, मुगल कोर्ट पर करप्शन बहुत था, टॉप लेवल से लेकर ग्राउंड रूट लेवल तक करप्शन होता था। जो इसमें जागीरदार थे या नोबल्स थे अपने सुपीरियर्स को, अपने ऑफिशियल्स को, अपने से बड़े ऑफिशियल्स को प्लीज करने के लिए और किंग लेवल तक किंग को प्लीज करने के लिए वो किंग को टाइम बाय टाइम गिफ्ट्स दिया करते थे, प्रेजेंट्स देते थे या ओपनली पैसा भी देते थे। तो अब उसकी जो भरपाई थी वो अपने जूनियर से करते थे, अब जूनियर्स जो थे वो अपने जूनियर से करेंगे और इससे उनको टाइटल्स मिलते थे किंग से और अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स से दे यूज टू गेट द टाइटल्स और रिवार्ड्स उनको मिलते थे। तो इन टाइटल्स और रिवार्ड्स के लिए वो किंग को और बड़े ऑफिशियल्स को, जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स होते थे, उन्हें ब्राइबरी करते थे, उनके साथ उन्हें घूस का पैसा देते थे या रिश्वत का पैसा उन्हें देते थे। तो और वो पैसा वो लाते कहाँ से थे, अपने जूनियर्स से,
तो अब इस तरह से पूरी एक साइकिल बन चुकी थी टॉप से लेकर लेवल तक, तो इससे पूरा करप्शन फैल गया था मुगल कोर्ट में एंड दैट ऑल्सो बिकम ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। आफ्टर दैट द फॉरन अटैक्स भी हुए हैं, जैसे नादिर शाह का अटैक हुआ, अहमद शाह अब्दाली का जो अटैक हुआ, तो इन फॉरन अटैक्स में ने जो मुगल एम्पायर की जो बची खुशी ताकत बची थी उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर दिया और एक्सपोज कर दिया कि मुगल एम्पायर अंदर से कितना खोखला है, एक ढोल की तरह है। ऊपर से बॉडी कवर तो दिखाई दे रहा है कि मुगल एम्पायर है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने जो बनाया था वो है, लेकिन अंदर से उसमें कोई ताकत नाम की चीज नहीं थी जो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के अटैक्स ने कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया इंडिया की, मुगल एम्पायर की वीकनेस को पूरे वर्ल्ड के सामने। तो नोबल इन्फ्लुएंसेस ऑन किंग, इसके साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है कि जो नोबल्स थे उनका भी किंग के ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता था, और किंग जो थे वो खुलकर अपनी मर्जी से अब विदाउट एनी हेजिटेशन डिसीजंस नहीं ले पाते थे, तो उनके ऊपर जो नोबल्स का इन्फ्लुएंस था, जस्ट टेक द एग्जाम्पल अकबर वॉज अंडर बैरम खां, जहांगीर वॉज अंडर महाबत खां, शाहजहां वॉज अंडर मीर जुमला। तो ये जो जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनको हम पावरफुल मुगल रूलर्स मानते हैं, और इन पावरफुल मुगल रूलर्स के ऊपर जब नोबल्स का इन्फ्लुएंस था और ये प्रॉपरली रूल नहीं कर पाए जैसा ये कर सकते थे या और उससे अच्छा कर सकते थे, तो उनके इन्फ्लुएंस में ये अपना 100% नहीं दे पाए। लेकिन जो लेट मुगल्स थे वो तो बहुत ही वीक थे। अब जिसमें उनमें जैसे फरूख सियार है, रफीउद्दौरा है या मोहम्मद शाह है, ये तो जस्ट कठपुतली बनकर रह गए थे। देवर पपेट्स इन द हैंड ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोबल्स लाइक सईद ब्रदर्स थे, जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। तो सईद ब्रदर्स जिनको किंग मेकर्स बोला जाता है, तो जो नोबल्स ही डिसाइड कर रहे हैं कि किंग कौन बनेगा, तो ऐसे एम्पायर को हम समझ सकते हैं कि उसका डाउनफॉल कितना नजदीक है और कितना वो वीक हो चुका है इंटरनली। तो नोबल्स का जो इन्फ्लुएंस था दैट ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉज, दैट ऑल्सो बिकम ए वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। आफ्टर दैट लैक ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉरन एलिमेंट इन मुगल रूल, ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट जो है ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहे कि मुगल रूलर्स जो थे, अकबर को आप छोड़ दीजिए, अकबर फॉलोड द सेकुलरिज्म पॉलिसी, अकबर हिंदूज मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चला एंड दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द नेशनल रूलर बोलते हैं हम अकबर को, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो मुगल्स रूलर्स थे उनके मन में, उनके अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं था। भारत को एक राष्ट्र के रूप में उन लोगों ने निर्माण नहीं किया ना उसको देखा, और उनके अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन एलिमेंट्स थे कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, और जब बाहर से आए थे तो इसको हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपने पिलग्रिमेज जो थे वो उन्होंने मक्का मदीना रखे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो अरेबिक और पर्शियन ही उन्होंने रखी। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है कि लैक ऑफ नेशनलिज्म, अकबर को हम एक लिमिट तक अवॉइड करते हैं कि अकबर ने फॉलो किया नेशनलिज्म को, इसलिए उसको नेशनल रूलर या नेशनल लीडर भी बोलते हैं, नेशनल किंग बोलते हैं, लेकिन बाकी के जो मुगल रूलर्स थे उनके अंदर फॉरेन एलिमेंट था कहीं ना कहीं और लैक ऑफ नेशनलिज्म भी था। तो इस वजह से दैट ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों वीडियोज में हमने कंप्लीट कर लिया है, अराउंड 15 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो स्टूडेंट्स, यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सो दैट यू कुड गेट दिस टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।